यहाँ पे इतना चुप चुप रहोगे तो लोग तुम्हें बुद्धू समझेंगे। दीदी बहुत भूख लगी है। ठीक है, नहा कर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक्स दीदी। हाय सितु बेबी, तुम अंदर कब आए? आंखें फाड़ कर क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग कर देखो, मैं मना नहीं करूंगी। देखो कपड़े पहन लो और दरवाजा बंद कर लो, सारी पढ़ाई भेजे से आउट हो रही है। ये बात है तो जितना पढ़ा है सब भुला देती हूँ। आधी पढ़ाई वापस आ गई। अगर रेलवे के एग्जाम पास हो गया तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, उसका हमारे अलावा है ही कौन, फिर उसकी शादी कर देंगे। उसकी शादी मेरी कजिन से करवा दो। हाँ तुम्हारी कजिन सुपर फास्ट, मेरा भाई कछुआ छाप, जोड़ी कैसे जमेगी? मेरी तरह कोने में पड़ा रहेगा। क्या कहा? मतलब मेरी तरह खुश रहेगा। सुन तेरे जीजा माणिक तला बाजार से तेरे लिए ये मछली लेकर आए हैं, तुझे पसंद है ना? थैंक्स जीजू। हाय, तुमने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी कजन है। ओह हाँ, इसे आपकी शादी में देखा था। शुक्र है ये नहीं कहा कि बिना कपड़ों के भी देखा है। अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, रिजल्ट का इंतजार है। अच्छा। हाँ एक्टिंग अच्छी कर लेता है। बैठो ना। नहीं मैं यही ठीक हूँ। बैठो ना प्लीज। ये इस जनरेशन की नहीं लगती, काफी शांत लड़की है। सही कहा, फर्स्ट टाइम मिले हो पर सही पहचाना। ये सुशील और बहुत शर्मीली है। शर्मीली और ये? दिन दहाड़े भैरव ने किया खून। फैक्ट्री से उठते जहरीले धुएं के खिलाफ रियाज भाई ने आवाज उठाई थी, पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसके पीछे नरपत नामचीन, उसके भाई भैरव और टैक्सी सेठ का हाथ होता है, पर उनके खिलाफ कभी कोई भी सबूत नहीं होता और ना ही उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है। पब्लिक और पुलिस जानती है खून किसने किया है, और मीडिया भी जानती है। और कर भी क्या सकते हैं, हमारे इंटरव्यू को न्यूज बनाकर पब्लिक में दिखाएंगे। कौन है ये नरपत और सब लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? हाँ, खूनी दरिंदे हैं ये लोग, इस शहर में उनके नाम का खौफ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफर ले लो, मेरा अब इस शहर में रहने का दिल नहीं करता। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस में किसकी हिम्मत है, जो उन लोगों को पकड़ सके वो किसी से डरते हैं क्या? उन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता, नामर्द बनकर बस तमाशा देखते हैं। छोड़ो ना, हम ये सब जान के क्या करेंगे, हम खुश है ना? हाँ सही कहा तुमने, इन सब बातों से हमें क्या लेना देना, ये हमारे अपने थोड़ी है, हम तो खुश है ना, दूसरे मरते रहे मरने दो, है ना? जीजू ना ये हमारा स्टेट है ना शहर, हमें क्या? मदर टेरेसा भी कलकत्ता की नहीं थी, वो तो दूसरे मुल्क से यहाँ प्यार बांटने आई थी, न जाने कितनों को उनसे प्रेरणा मिली, और आज ये खूनी उसी शहर में बेखौफ घूम रहे हैं। किसी को तो उन्हें उनके किए की सजा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अरे खाना तो खाइए। अरे सुनिए भैया, क्लोज द फाइल इमीडिएटली। सर गवाह तो नरपत भाई और भैरव का नाम ले रहे हैं। नाम लेने में क्या है, वो तो तुम्हारा या मेरा भी ले सकते हैं, FIR में नाम बदल दो। नमस्ते नरपत भाई, कैसे हो भाई? आओ मंगल आओ, आपका हाथ सर पे रख के आशीर्वाद दे दीजिए भाई। प्रणाम। अरे तुम मेरे पार्टनर हो, वहाँ नहीं यहाँ बैठो। नहीं भाई, आपके कदमों में बैठते ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मस्का लगा रहा है साला। सुना है आपको दिल्ली से बुलावाया है भाई, आज से सेंटर आप संभालिए, स्टेट मैं संभालता हूँ। साला कुर्सी का लालच नहीं छोड़ेगा। सही कहा भाई, ये जो कुर्सी का लालच है ना, अच्छे अच्छों को शमशान घाट पहुँचा देता है। ये सारे डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असली जिंदगी में नहीं, जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा पावर। मैंने सही कहा ना भाई। लिकर टेंडर का क्या हुआ? मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, कहता है पी के मरने वालों के लिए पहले ही काफी दुकानें मौजूद हैं, एक भी दुकान खुली तो सरकार गिरी समझो। हाँ भाई वो कभी ना किसी काम का नहीं है, उसे लोगों की ज्यादा परवाह होने लगी है। सही कहा, जब हमने कुछ जमीनों को हड़पने की कोशिश की तो उसने बीच में टांग अड़ाई थी। तुमने उसे मिनिस्टर बनाया ये सोचकर कि वो हमारे काम आएगा, लेकिन अभी तक उसने मेरा प्रमोशन नहीं होने दिया। बुलाओ उसे। नमस्ते नरपत भाई, आपका फोन आया तो मैं सारा मैटर समझ गया। लगता है आपके चमचों ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। बोलिए। कुर्सी मिल गई है तो ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे इशारे पे गोली चलाती है। बात को समझो नरपत भाई, तुमने कितनी गंद मचा रखी है सारे शहर में, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अब देखो तुमने और तुम्हारे भाई भैरव ने हजारों लोगों के सामने उस बुड्ढे को मारा, मुझे स्टेट को जवाब देने में बहुत परेशानी हो रही है, और तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बेवकूफ लोगों ने मदर टेरेसा लैंड पर बोगस डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, इसने माँ के नाम पर और इसने दादी माँ के नाम पर बनाया, लोग क्या चुप रहेंगे? चुप क्यों नहीं रहेंगे, मदर टेरेसा जिंदा है क्या? नहीं है ना, मरे लोगों को जमीन क्यों चाहिए, अपनी माँ के नाम पर जमीन की तो क्या गलत किया? मुंह बंद रख अपना, अगर ये बातें असेंबली में बोलेगा ना तो अपोजिशन वाले हंगामा कर देंगे। क्या हुआ?
तुम्हें पावर लोगों के बारे में सोचने के लिए नहीं दी है, हमारे आदमियों के बारे में सोचो। लेकिन ये मुमकिन। जब मैं दिल्ली से वापस आऊं, इसे आईजी बन जाना चाहिए और इनके चेहरे खुश होने चाहिए, समझ गए? सिद्धू, 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 चलो ना फिल्म देखते हैं। मुझे फिल्म नहीं देखनी। पंखों ने टिकट्स ले लिए हैं, नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा। पंखों मतलब? पंखों का मतलब फैंस ने। फैंस ने? तुम्हारे फैंस? कौन है वो? पोपट और पार्टी। मेरे फैंस का तुम्हें अंदाजा नहीं है, चलो दिखाते। दबंग जी की जय। पुतले की जय हो। बोपट भाई, तुम कोलकाता पावर स्टार फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो डेयरिंग दिखानी चाहिए, पर तुम डर क्यों रहे हो? इसे डर नहीं कहते, कांपना कहते हैं। ओ क्या है ना, नंदिनी हमेशा मुझे पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए बुलाती थी, पर आज उसने मुझसे थिएटर की 2 कॉर्नर की सीट बुक करवाई, मतलब उसके इरादे नेक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो इसमें टेंशन किस बात का है? अगर उसने 2 कॉर्नर सीट बुक करने को कहा है, मतलब तुम्हारी लाइन क्लियर है। इयररिंग ले। आज तो ये मूड में भाई, जैसे इंडिया का सुपरस्टार सलमान भाई, वैसे कोलकाता का पोपट भाई। ऐसा क्या? आप तो रॉकस्टार हो भाई। ये पकड़, अभी सेट हो जाएगी भाई। आप तो टाइगर हो भाई। अच्छा, आप तो लेडी किलर हो भाई। मेरी कसम, ये सोने की माला रख भाई। सारा सोना लुटाओगे तो पॉपकॉर्न के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अबे, तेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड सोने की खान है, 1/2 किलो सोना गरीबों में बांटा और तुझे तकलीफ हो रही है। उई मां, हाय हाय भाई, भाभी रॉबस्टिक लग रही है। पर साथ में ये एक्शन हीरो कौन है? एक्शन हीरो के साथ रोमांटिक हीरो भी लगता है, डबल धमाका है। मेरी रिंग वापस दे। क्या हुआ? अबे दे, ये लो। अरे भाई, वो पानी कम चाय है, वो VCD है तो ब्लू रे हो। ले तू रख ले। थैंक यू। हाय पोपट। हाय नंदिनी। ये कौन है? मेरे कजन का साला। अच्छा साला, टेंशन में डाला। मैं हूँ पोपट, लोकल पॉर्न स्टार। अरे हाँ। साले को लेके जा, पानी पूरी, मसाला पूरी, दही पूरी, सूखा पूरी सब खिला के लेके आ। मैं और नंदिनी कॉर्नर की सीट पे बैठेंगे। हाँ। हम साथ में नहीं बैठ सकते। काई को? मेरे गेस्ट को बुरा लगेगा ना, मैं इन्हें जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ। अगर मैं इनके पास नहीं बैठी तो इनको ही नहीं, मेरे भैया और भाभी को भी बुरा लगेगा। चलो सिद्धू। भाई के साले के साथ कॉर्नर सीट पर क्यों बैठेगी? इंतजार करो, इसका जवाब तो पिक्चर में ही मिलेगा। मतलब? वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। क्या क्या? घोड़ी तुम्हारी और घुड़सवारी वो करेगा? मैं उसे घोड़ी चढ़ने नहीं दूंगा। चलो। झिंगुर सुन, चुप कर दे, वो दोनों क्या कर रहे हैं? भाभी तो शुरू हो गई है भाई। पर चिपकली उससे चिपक तो नहीं रहे ना? अंधेरे का फायदा कोई छोड़ता है क्या? अगर मैटिनी शो में ये इतने बिंदास हैं, तो नाइट शो में क्या कुछ नहीं करते होंगे। मैं कुछ नहीं करने दूंगा। इसकी पिक्चर क्लोज कर दूं क्या मैं? यहाँ पब्लिक को परेशानी होगी, इंटरवेल में उसका काम तमाम कर देंगे। ए सुनो, मेरा माल गंदा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बंदी के लिए फिनाइल और बंदे के लिए चाकू लाया हूँ। जैसे ये चाकू मैं इसके अंदर डालूंगा, तुम लोग मेरा फोटो खींच लेना। वो किस लिए भाई? फेसबुक के लिए रे। एक पॉपकॉर्न, एक कोल्ड ड्रिंक, मीडियम फ्रेंच फ्राइज। वो चिपकली गए? वो क्या सामने खड़ा है? मुफ्त में हमारी टिकट पर पिक्चर देख रहा है और भाभी के पैसों से पॉकेट में पॉपकॉर्न और समोसे खाएगा। ये चाकू मारकर वो पॉपकॉर्न निकाल लूंगा। देख रहे हो क्या? मजाक कर रहा था बे। थिएटर में कह रहे थे कि पब्लिक को परेशानी होगी, यहाँ कह रहे हो कि मजाक कर रहा था। तू चुप रह, नहीं तो तेरे को ही घोप दूंगा। प्लानिंग कर रहा हूँ बे, प्लानिंग से मारेंगे। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। तेरे सॉरी से ये सूखेगा क्या? प्यार से एक जप्पी दे दे, सूख जाएगा। छी, ए गीला करके कहाँ चली? चुप चुप, बहुत बोल दिया तू। अरे भाई, गलती से हो गया होगा, जाने दो ना। मुझे टच करता है, विज्जू भाई को टच करता है, ऐसे क्या देख रहा है साले? मारेगा मुझे? मारेगा? क्या है? मैं तो बॉडी लेने आया भाई। लेके निकल। जी भाई। चलो। ए, हाथ से खून क्यों आ रहा है? टमाटर सॉस है। टोमेटो सॉस? समोसे वाले के पास कागज नहीं था तो सॉस हाथ में ही दे दिया। हाथ धो लेना। बाय, गुड बाय। चालू है, चालू है, चालू। भाई, ऐसे नीट पीते रहे तो लीवर खराब हो जाएगा। अगर खराब हो जाएगा तो पैसे उधार लेकर अपोलो हॉस्पिटल जाकर नया डलवा लूंगा।
पता है इस देश को टेररिस्ट और आतंकवादियों से खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो दिल तोड़ने वाली आतंकी लड़कियों से। भाई साफ साफ बोलो ना। तो सुन, चालू लड़कियां बार डांसर की तरह होती हैं, अंधेरी काली रातों में जुगनू की तरह मंडराती रहती हैं, सरकते पल्लू से शर्मा के हम दिलफेक आशिकों के अरमानों को भी सरकाती रहती हैं, अंदर घुसते ही कस्टमर फंसती हैं, अपना इंटरेस्ट घटाती बढ़ाती हैं, रिजर्वेशन का कहके जनरल डिब्बे में बिठाती हैं। भाई ने रिजर्वेशन की बात की, सोच रहा हूँ गाँव चला जाऊँ। 5 साल, पूरे 5 साल उसके चक्कर में वेस्ट किए। अगर नंगे पैर इंडिया दर्शन करता तो गिनीज बुक में नाम आ जाता। जैसे आइसक्रीम खाकर कप फेंकते हैं, चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, वैसे इस इनोसेंट मासूम भोले नटखट पोपट को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। भाई हिम्मत मत हारो, अपनी फीलिंग बता दो, काम बन जाएगा। ए, अगर उसने कहा कि वो उसी लड़के से शादी करेगी तो बुके और गुलदस्ते में सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो तो है, लगता है इस पोपट की मैना किसी और डाल पर कूक रही है। बेटी कैसी है? आप उसके सगे माँ बाप ही हैं ना? जी साहब। तो आप दोनों ने 14 साल की बच्ची को स्टेरॉइड्स दिए ताकि वो 18 साल की लग सके, कैसे माँ बाप हैं आप? हमने नहीं दिए हैं साहब, नरपत के भाई भैरव और टैक्सी सेठ ने दिए हैं।